नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर उसे खत्म करने तक किसी भी स्टूडेंट को बहुत सारे फेजेस देखने होते हैं। जब वो स्टार्ट करता है तो वो स्टूडेंट ए के फेज में होता है जब उसका सिलेबस इनकम्प्लीट होता है। इस समय वो कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही वो टेस्ट दे दे, उसका जो स्कोर है वो 350 से 450 के बीच रहता है। ठीक है, जब वो धीरे धीरे मेहनत करने के बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करता है तो वो एक स्टूडेंट बी के फेज में आ जाता है, जहां पे अब उसकी टेंशन ये नहीं है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बस उसका टेंशन ये है कि अब मैं रिवीजन कैसे करूं। और जब वो स्टूडेंट रिवीजन करने लगता है और सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी करने लगा, तब वो स्टूडेंट सी बन जाता है। अब कहीं जाके उसका सिलेक्शन थोड़ा बहुत होता है कि चलो मैं किस अगर मेहनत करता हूं तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन अभी भी उसमें एक चीज मिसिंग होती है, टेस्ट देना, और कंसिस्टेंटली टेस्ट देना। जब वो उसको भी इंक्लूड कर लेता है अपने प्रिपरेशन में, तब जाके वो स्टूडेंट डी बनता है और 99% अपना सिलेक्शन गारंटी करता है। तो ये जो प्रोसेस है सिलेक्ट होने का, ये हर बच्चे को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कभी भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करे। अभी नीट 2025 में आपके 6 महीने बचे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये इतना स्मूथली जाता नहीं है जितना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी तक सबने प्रिपरेशन करी है, सबने पढ़ाई करी है, लेकिन वो काफी रैंडम और इनकंसिस्टेंट स्टडी थी, काफी बैकलॉग हो गए हैं आपके, आपने टेस्ट नहीं दिए जबकि आपको पता था आपको टेस्ट देना है, फिर भी आपने टेस्ट नहीं दिए, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं करा है। तो बहुत सारे बच्चे अभी इस फेज में अटके हुए हैं। तो कैसे अब आपको स्मूथली ट्रांजिशन लेना है, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी बनना है और अपने प्रिपरेशन को एक हैप्पी एंडिंग के साथ उसको खत्म करना है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और ये जो आप अभी तक रैंडम स्टडी कर रहे थे उसको कैसे आपको सिस्टमेटिक बनाना है और कैसे आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है कि नहीं मैं अब जाके मॉड्यूल्स के सेक्शन बी को नहीं खत्म करूंगा, पहले मैं PYQs करूंगा, ये सब चीजें कैसे आपको प्रायोरिटाइज करनी है उस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि आप बहुत आराम से 650 प्लस 680 प्लस तक जा पाओ, डिपेंडिंग ऑन कि अभी आपका कितना स्कोर है। अब इससे पहले कि आप कमेंट करो, मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल ये नहीं बता रहा है कि आप 0 से 650 प्लस जा सकते हो, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत भी सही लेकिन पढ़ाई करते हुए आए हैं अभी तक, और वो किस तरीके से अपने 250 से 300 के स्कोर को 650 तक ले जा सकते हैं अगर वो ये सारे चेंजेस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करते हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको इन बचे हुए 6 महीने में क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर जिनको बैकलॉग्स हो गया है, उनको अपने बैकलॉग्स को और अपने इनकम्प्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरा, उनको रिवीजन ऑफ सिलेबस करना है, मतलब कि उनको सिलेबस को भी रिवाइज करना है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से सिलेक्शन नहीं होता, ये सबको पता है, और नहीं पता है तो समझ जाओ कि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। उसके बाद आपको टेस्ट देना है, और यहां पे मैं एक चीज ये भी बताऊंगा कि जो 500 प्लस स्कोरर्स हैं उनको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए बाकी बच्चों से, ताकि वो और जल्दी अपने स्कोर को इंप्रूव करते हुए देख पाए। और लास्टली हम लोग देखेंगे कैसे आपको एनसीईआरटी कवर करना है, जो आप पूछते रहते हो फिजिक्स में करें नहीं करें, फिजिकल में करें नहीं करें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस और बैकलॉग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि वो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, जो बोलते हैं लोग कि फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद आप रिवीजन करना, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि जब आप फेब एंड में चले जाते हो उस समय आपके पास इतना प्रेशर होता है आप पे कि आप सही तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे, और स्पेशली क्योंकि अगर आपने साल भर कुछ रिवाइज नहीं किया है, आपने देखा ही नहीं, बस आपने सिलेबस कंप्लीट किया, नोट्स बनाया है, तो आप उस समय तक सब कुछ भूल गए होते हो। तो वो जो रिवीजन जिसको बोला जाता है कि आपने पहले देखा है उसको आप फिर से पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल नहीं होगा। उस एंड के 2 महीने में भी जाके आप फिर से उस चीज को पहली बार पढ़ रहे होगे, ऐसा आपको लगेगा अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है। और इसलिए आपको फेब एंड तक या फिर जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसको कैलकुलेट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं उतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस पहली बार रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको साइमल्टेनियसली अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, और सब नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी कवर करके रखो, मतलब कि डेली का 1 घंटा निकाल लूं, ठीक है, कि मैं 1 घंटे रिवाइज करके ही सोऊंगा, ठीक है, या फिर मैं सुबह उठते ही 1 घंटे रिवाइज करूंगा ही करूंगा, या फिर उस 1 घंटे को डिवाइड कर लो आधे आधे घंटे में, आधे घंटे रात को सोने से पहले और आधे घंटे उठने के बाद, ठीक है। तो ये अगर कर लेते हो तो आप बायोलॉजी एनसीईआरटी रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो, कुछ नहीं करना है आपको, 2-2 पेज 3-3 पेज रिवाइज करना है, जो भी आपको लग रहा है मैं भूल गया हूं उसको एक बार खोल के देख लो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है या एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ा रखी है 6 सीरीज, वहां से आप इजिली रिवाइज कर सकते हो उसको डेली का आधा घंटा देखें। और फॉर्मुलेज, ठीक है, आप कहीं से भी फॉर्मुलेज आप जो आपने नोट्स बनाए उसमें आपने खोला, फिजिक्स खोला, सिर्फ फॉर्मुलेज रिवाइज कर लिए कि एटलीस्ट जो पुराने चैप्टर्स है उसके आपको फॉर्मुलेज याद है, क्योंकि इससे आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्टली आपके एग्जाम में। तो अगर आप इतना करके रखते हो ना रिवाइज, तो जब फेब एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप मान लो उस समय जाके PYQs वापस से रिवाइज करना स्टार्ट करते हो या फिर आप कुछ भी रिवाइज करना चाहते हो, तो उस समय अगर आपने इतना किया होगा तो आपको ऑलरेडी 540 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपको याद होगा, एटलीस्ट आप भूले नहीं होंगे, पहली बार ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो उस पर रिवाइज करना लास्ट के 2 महीने में और एकदम फ्रेशली रिवाइज करने में बहुत डिफरेंट आपको फील होगा, इसलिए ये चीज जो है सबको करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। बाकी जिन भी बच्चों का बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, वो अब बैकलॉग को एक अलग चीज की तरह ट्रीट नहीं करें, जो भी उनका इनकम्प्लीट सिलेबस है उसी में वो माने कि चलो जो मेरा बैकलॉग है वो मेरा इनकम्प्लीट सिलेबस है, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना वो अब ये टाइम आ गया है जिसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है और जितने भी फालतू के प्रेशर हैं वो अपने दिमाग से हटाना है। तो बैकलॉग से प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं बाकी लोगों से पीछे हूं। आप पीछे हो लेकिन अब उस चीज़ को साइड करके आपको ये माना कि मेरे को अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है फेब से पहले, कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर है, ये बैकलॉग अलग से मत सोच करो, उसको एज एन इनकम्प्लीट सिलेबस आप ट्रीट करो, ठीक है। अब जो आप पूछते रहते हो कि भैया हम लोग जो बचा हुआ सिलेबस है उसको डिटेल से करें या वन शॉट से करें, अब इतना टाइम तो है नहीं कि सबका डिटेल देखें, तो आप सिंपल एक चीज करो, जिस भी पेज पे आप चल रहे हो, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उस
पेस के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो कि अगर मैं इसी पेस पे चलता हूँ तो मेरा सिलेबस कब जाके कंप्लीट होगा। अगर ये फैब के बाद का कोई टाइम आ रहा है, मतलब फैब कंप्लीट हो गया, मिड मार्च आ रहा है, या फिर मार्च कंप्लीट आपका यूज हो जाता है आपके सिलेबस कंप्लीशन में, तो आपको क्या करना चाहिए कि अभी ही वन शॉट पे स्विच कर जाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस एक तो जल्दी कंप्लीट होगा, और जल्दी कंप्लीट होगा तो आप उस टाइम को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करना, उसके लिए यूज कर पाओगे, जो कि काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इन 6 मंथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स आपका होना चाहिए वो है PYQs। और PYQs के लिए अगर आपके पास कोई बुक आपने अभी तक नहीं ली है तो आप ओसवाल बुक्स की 37 ईयर्स की PYQ बुक ले सकते हो, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और उनके डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बिना सीखे आगे ना जाओ। अच्छी बात यह है कि ये PYQ बुक आपके लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, और इसमें आपको नीट 2024 का जो पेपर था वो कंप्लीटली सॉल्व मिलेगा। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, ताकि उस चैप्टर से आप ये पता कर पाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और उसी पे फिर अच्छे से फोकस कर पाओ। किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले अगर आप उस चैप्टर का फास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और न्यूमोनिक्स भी इंक्लूडेड है। साथ ही इसमें आपको 2 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे, ताकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप उनको देके अपना प्रिपरेशन कहाँ पे है वो चेक कर पाओ। ये PYQ बुक आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो आप तीनों के लिए उसको ले सकते हो, और इसको लेके जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि PYQs आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अब जब आपने अपना टाइम कैलकुलेट किया और आपको पता चला कि मेरा जो सिलेबस है वो फैब के बहुत बाद खत्म होगा, और आप वन शॉट पे स्विच करना चाहते हो, तो बायोलॉजी के लिए जो बेस्ट वन शॉट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि मैंने खुद यूज किया है, वो है विपिन सर के वन शॉट, जो कि मैंने काफी बार रिकमेंड किया है। इसमें आपकी NCERT कवर हो जाती है, जहां से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार आपने इनके लेक्चर देख लिए, अपने NCERT को हाईलाइट कर ली, NCERT कैसे हाईलाइट करना है उसके लिए मैंने अपनी रेफरेंस NCERT अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप उस पूरी हाईलाइटेड NCERT को निकाल लेना, उसको देखते हुए, क्योंकि वो मैंने सर के लेक्चर देख के हाईलाइट किया, तो सेम चीज है, उसको देखते हुए आप अपने NCERT को हाईलाइट कर लोगे, तो आपका जो मेन रिसोर्स है जिसको आप रिवाइज करोगे वो आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको PYQ कर लेना है 2 बार, ठीक है। यहां पे 2 बार जो है, इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रिपरेशन को खत्म करने से पहले कभी भी PYQ उसको 2 बार लगा लेना, ठीक है। एक तो जब आपने चैप्टर कंप्लीट किया तब हो जाएगा, और एक फिर कभी भी आपको लग रहा है कि मैं भूल गया हूं चैप्टर, तो उस समय आप एक बार और PYQ सॉल्व कर लेना उस चैप्टर का। उसके अलावा अगर आपके पास कोई NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का बुक है, उसको आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो, एक बार सॉल्व कर लोगे एनफ है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी गलती है वो आपने अपने NCERT में हाईलाइट कर ली है या फिर ऐड कर लिया है, ठीक है। और उसी NCERT को आप फिर बार बार रिवाइज करोगे। कौन से चैप्टर से जिनके आपकी डिटेल देख लेना चाहिए इन वन शॉट्स के अलावा, वो ये चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 11th और 12th के, ठीक है। इनके आप अगर चाहो तो डिटेल देख सकते हो, मैंने इनमें से भी सबके डिटेल नहीं देखे थे, क्योंकि मेरा वन शॉट से ही मुझे समझ में आ गया था, तो डिटेल भी आपको उनका देखना है, जिसमें आपको लग रहा है कि वन शॉट एनफ नहीं है तब आपको डिटेल देखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में जो NCERT डोमिनेंट पार्ट है उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक है उसमें जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको आपको कर लेना है किसी भी टीचर से, किसी भी टीचर के वन शॉट जो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, नितेश सर के देख सकते हो या फिर किसी दूसरे टीचर के देख सकते हो, मैंने नितेश सर के देखे थे, और उसको देखने के बाद मैंने अपनी हिस्ट्रिक बना दी है, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर से देख लो, उसके बाद जब आप मेरी हिस्ट्रिक देखोगे तो आपका सारा जो पार्ट है, चाहे किसी टीचर ने कुछ स्किप कर दिया हो, मैंने वो कवर कर दिया हिस्ट्रिक में, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी है। अगर आपका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिटेल लेक्चर आपको इनके देख लेने हैं, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर ये आपने अच्छे से किया हुआ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप डायरेक्टली मेरी हिस्ट्रिक भी देख सकते हो उसके, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, तो इंडेक्स क्वेश्चन तो मैं जब हिस्ट्रिक करा रहा हूं उस समय करवा दूंगा, तो वो आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा PYQ आपको सेम बायोलॉजी की तरह 2 बार कर लेना है, जो भी मिस्टेक्स हुए उसको आपको ऐड कर लेना है अपने NCERT में, या फिर नोट्स अगर आप प्रेफर करते हो तो नोट्स में, और उसको फिर बार बार रिवाइज करना है। मैं पर्सनली NCERT हाईलाइट प्रेफर करता हूं, क्योंकि उससे फिर कोई भी लाइन स्किप नहीं होता, आपके NCERT से ही लाइन उठ के आएंगे, तो फिर मुझे जल्दी एग्जाम में याद आता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन का सोर्स, MTG हो गया या फिर कोई दूसरी बुक हो गई, उसको आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। अब मैंने इन्हीं चैप्टर के डिटेल लेक्चर आपको इसलिए बोला है क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर आपको दिख रहा है, इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में वापस से रिपीट होते हुए देखेंगे, तो ये बेस बनाते हैं उसका। दूसरा, इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इनके मॉड्यूल्स भी अगर चाहो तो सॉल्व कर लेना, उससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्डिशन कंपाउंड के लिए भी आप जहां जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि NCERT का इंडेक्स हो गया, एक्साइज हो गई, एग्जाम्पलर हो गया, कोई भी आपके पास बुक है, मॉड्यूल है, अगर उसको भी सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन के जो नंबर है काफी ज्यादा है जो आपसे पूछे जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में आप वन शॉट्स देख लेना, जो मैंने देखे थे नितेश सर के, जो 41 लेक्चर्स हैं मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट ओजोन क्लासेस पे, उनको देख लेना। उसके बाद आप जब ह्यूरिस्टिक देखोगे तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में एकदम सिंपल मैंने कर दिया है, क्योंकि मेरे को इन दोनों में काफी दिक्कत हुई थी, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में, कोई भी टीचर उसको कंप्लीट कराता नहीं, जो कंप्लीट करवा था तो वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देता था कि समझ नहीं आता था इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। इसलिए मैंने ह्यूरिस्टिक बनाई, ताकि किसी भी टीचर से आप फिर पढ़ो, एक बार फिर आप ह्यूरिस्टिक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर आप जब प्रिपरेशन करते हो, जब आपको पता रहता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जब आप फोकस करते हो तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। इसलिए मैंने आपके लिए ह्यूरिस्टिक यहाँ पे बना के रख दी है,
जो कि सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो आप इंटेक्स क्वेश्चन लगा लेना जो कि हेयरिस्टिक में मैंने खुद करवा दी होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। PYQ आपको यहाँ पे 3 बार करना है, क्योंकि सबसे अच्छा सोर्स आपके लिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए PYQ से। जो भी आपको लगे कि अरे ये रेशन तो NCERT का नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको स्किप कर देना। एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम बच जाए, ये जो जितने भी चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये प्रायोरिटी में है। सबसे पहले आपने इंडेक्स किया, फिर PYQ किया, फिर एक्सरसाइज करने जाओगे। टाइम बचा तो एक्सरसाइज करोगे NCERT एक्सरसाइज, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, इतना भी आपके लिए काफी है, क्योंकि इसमें भी मेनली आपको रिविजन पे फोकस करना है, जैसा मैंने हेयरिस्टिक में कराया। फिजिकल की बात करोगे तो इसमें किन चैप्टर्स के वन शॉट देखे, तो ऐसे चैप्टर्स काफी कम है फिजिकल में जिसके आपको वन शॉट में रिकमेंड करूँ, क्योंकि काफी चैप्टर हट भी गए आपके, तो आपको यहाँ पे डिटेल ही देखना है। जिनके भी डिटेल देखना है मैंने यहाँ पे चैप्टर के नाम मेंशन कर दिए हैं, इसके आपको डिटेल देख लेना है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस केस में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि फिजिकल में PYQ आप 3 से 4 बार जरूर कर लो, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखते हैं फिजिकल में। दूसरा, जब आपके पास टाइम बचे इसको करने के बाद, तो मॉड्यूल्स के जो सेक्शन 1 है उसको एटलीस्ट 1 बार कर लेना। सेक्शन 1 का मतलब कि सब में अलग अलग है, किसी में एक्सरसाइज 1 लिखा होता है, किसी में सेक्शन A लिखा होता है, वो आप कर लेना, जो इजी वाला एक्सरसाइज होता है ना वो कर लेना, और एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस अगर कर पाओ तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन PYQ 3 से 4 बार आपको लगा ही लेना है हर एक चैप्टर का, क्योंकि फिर आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा फिजिकल में वो कहीं से भी नहीं आएगा, चाहे आप सेक्शन 1 लगा लो, सेक्शन 2 लगा लो, सेक्शन 3 लगा लो, PYQ अगर आपने 3 से 4 बार किया है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। तो ये मैंने सारे मिनिमम रिसोर्सेस आपको बता दिए जो कि आपको अभी करने चाहिए और आप अभी कर सकते हो। प्रैक्टिकली आपके पास इतना टाइम है कि आप इनको कर लोगे। अब मैं चाहता तो यहाँ पे बोल देता आप मॉड्यूल भी कर लो, आप ये भी बुक कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में जिनको भी डिटेल और वन शॉट, किसके डिटेल देखें किसके वन शॉट देखें, इस पर कंफ्यूजन है, या फिर कौन से हाई वेटेज चैप्टर ये जानना है, तो आप ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको डिटेल देखना है, वो भी मैंने वहाँ पे समझा दिया है, और मैंने सारे चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी लिख दिया, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको कस्टमाइज कर पाओ, जो आपने किया हुआ है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप पता कर पाओगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो। ठीक है, तो उसको आप वहाँ से देख लेना, फिजिक्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपके आप में दिक्कत है कि आप पढ़ते हो 2-3 दिन, फिर आप वो सब्जेक्ट छोड़ देते हो बीच में, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में चल जाते हो, ये जो रैंडमनेस है और आप जो कंप्लीट नहीं करते हो चीज़ों को और वो छूट जाता है बाद में, आपको याद नहीं रहता कि अरे मैंने किया था नहीं किया था, उसको कैसे टैकल करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी थी वो ये चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने एक जगह चैप्टर का नाम लिखा था कि फिजिक्स का है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो जो चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी, जैसे कि फिजिक्स के लिए मुझे LN के मॉड्यूल्स कंप्लीट करने थे, ठीक है, नोट्स कंप्लीट करने थे, NCERT कंप्लीट करनी थी, शॉर्ट नोट्स, बिगनर बॉक्सेस, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज सारे के सारे, NCERT एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर यहाँ पे मेरे को कवर करना था। अब ये जो चार्ट है मैंने काफी स्टार्टिंग में बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब चीज़ कंप्लीट कर पाओ, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो मैंने नया चार्ट बनाया है मॉडिफाई करके, जो मैंने ऊपर आपको चीज़ें बताई कंप्लीट करने के लिए, उन चीज़ों को आपको ऐड करना है, और सब्जेक्ट वाइज एक चार्ट बना लेना है एक कॉपी के अंदर, चार्ट चिपकाना मत, नहीं तो फिर वो या फिर अलग से पेज मत बनाना, क्योंकि वो फिर खो जाएगा, फिर ये आपको ट्रैक करने में दिक्कत होगा बाद में। एक कॉपी, जो भी सब्जेक्ट का आपके पास कॉपी है उसी सब्जेक्ट का आप चार्ट जो है उस कॉपी के अंदर बना लेना, स्टार्टिंग पेज या फिर लास्ट पेज में, और फिर आप उसको यूज कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लॉज ऑफ मोशन है फिजिक्स का चैप्टर, इसमें आपको लेक्चर देखना है या फिर वन शॉट देखना है, आपने डिसाइड कर लिया होगा, उसको आप कंप्लीट करोगे, फिर नोट्स बनाओगे, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया, फिर आप उन नोट्स को हाईलाइट कर लोगे ताकि आपका वो शॉर्ट नोट्स बन जाए, फिर PYQs मैंने आपको बोला है 2 से 3 बार कर लेने, तो आपने एक बार PYQ किया, लेकिन आपको एक साथ 3 बार नहीं करना है, तो आप उसके बाद चले जाओगे अपने इंडेक्स क्वेश्चन पे, लेकिन आपको फिजिक्स में इंडेक्स क्वेश्चन करना नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चले जाओगे मॉड्यूल्स के ऊपर और आपने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। फिर आपको मान लो कभी टाइम मिलता है कि चलो मैं जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वो भूल रहा हूँ, तो अब आके आप वापस से इस PYQ को यहाँ पे दूसरी बार सॉल्व करोगे, फिर चले जाओगे आप दूसरे चैप्टर पे उसको सॉल्व करोगे, फिर कभी आपके पास टाइम मिलता है तो आप आके तीसरी बार PYQ सॉल्व कर लोगे, और इस तरीके से आपको ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब मान लो आप MR सर्किट स्टूडेंट हो और वो ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते, तो उस केस में एक्सरसाइज 1 जो है आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी और आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको अपने चार्ट में लिखोगे ही नहीं, क्योंकि उसमें इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका हो जाता है और अभी उतना टाइम नहीं कि आप एक्सरसाइज 1 करने के लिए बैठो। चाहो तो अगर आपके पास टाइम है, आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप एक ऊपर से ओवरव्यू ले सकते हो कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन नहीं कराया, मैं बस ये कर लेता हूं, एक ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था। दूसरा, अगर आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर ले रहे हो तो उसमें भी आप लेक्चर देखोगे, अगर ब्लॉक केमिस्ट्री तो आप उसमें हेयरिस्टिक देखोगे, तो हेयरिस्टिक आपने यहाँ पे टिक कर दिया, वन शॉट है तो वन शॉट आप देखोगे वहाँ टिक कर दिया, फिर नोट्स आप नहीं बनाओगे, हाईलाइट करोगे अपने NCERT को, तो वो आपने यहाँ पे टिक कर दिया, फिर PYQ मैंने बोला है 2 बार लगाने तो आपने 1 बार लगाया, फिर आगे चले गए इंडेक्स क्वेश्चन आपने हेयरिस्टिक के साथ सॉल्व कर लिया तो आपने इंडेक्स पे यहाँ टिक लगा दिया। इस तरीके से जब आप टिक करते हो जाओगे तो आपकी आंख के सामने हो कि अच्छा मैंने ये नहीं किया है, ये किया है, तो अगले दिन मुझे क्या करना है, तो आपके पास अपने गोल्स जो है वो क्लियरली आपको पता होंगे कि हाँ मुझे अगले दिन ये करना है क्योंकि मेरा ये इनकम्प्लीट है। इस तरीके से जो आपका ये रैंडमनेस है वो ठीक हो पाएगा और आप एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो कर पाओगे। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे भैया आपने तो बोला है कि मॉड्यूल स्किप कर दो, क्योंकि आपने सिर्फ सेक्शन 1 करने बोला है या फिर बहुत में आपने मॉड्यूल्स करने भी नहीं बोला है, तो ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि 6 महीने में क्या क्या करना पॉसिबल है, और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आपकी तीनों सब्जेक्ट वीक है, हो सकता है कि आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, सिर्फ फिजिक्स वीक हो, उस केस में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपके मॉड्यूल्स जो है स्किप करने चाहिए, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो आपके पास एनफ टाइम है कि आप एक सब्जेक्ट पे मॉड्यूल्स सॉल्व कर पाओगे।
और ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे तीन फैक्टर जो है आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है। सबसे पहले कि आपने कितना सिलेबस आपका कंप्लीट किया है, जितना ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतना स्कोर आपका बूस्ट होगा। दूसरा, कितनी बार आपने रिविजन किया अपने सिलेबस का, और तीसरा, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी बार करी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सारे क्वेश्चन नहीं होते मॉड्यूल्स के, जो आपके PYQs हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको PYQs को बार बार रिवाइज करने के लिए बोला है, क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट जो है आपके 80% चांसेस के साथ रिपीट होंगे अब आपके मेन एग्जाम में। दूसरा, टेस्ट में भी जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आप मॉड्यूल का अगर स्किप भी करते हो, ठीक है, आप अगर MR सर से हो तो उनके लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उनके स्टूडेंट नहीं हो, आप दूसरे टीचर से पढ़े हो, अगर आप मॉड्यूल स्किप करने जाते भी हो, तो उस केस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे मॉड्यूल्स के वो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप मॉड्यूल स्किप कर रहे हो, सिर्फ सेक्शन वन कर रहे हो, बाकी चीज़ें स्किप कर रहे हो, तो उस केस में आपको टेस्ट के साथ उसको कंपनसेट करना होगा अगर आप चाहते हो कि आपके स्कोर पर इंपैक्ट ना आए। ठीक है, तो उस केस में अगर आप टेस्ट अच्छे से देते हो, अच्छे अमाउंट में टेस्ट देते हो, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल के वो आपको आपके टेस्ट में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बिना सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे इतने कम टाइम में। उसके बाद अगर आप 500 स्कोर हो, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मॉड्यूल स्किप कर दो। 500 स्कोर कर रहे हो तो आपका बेस ऑलमोस्ट अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो। दूसरा, अगर आपको यहाँ से अच्छे से मार्क्स इंप्रूव करना हो, आप इस टेंशन में कि भैया मार्क्स ऊपर नहीं जा रहे, 500 पे आकर रुक गए, तो मतलब आप अच्छे से या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन नहीं कर रहे हो, मतलब PYQs अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आप मेन जो थ्योरी का रिवीजन है वो नहीं कर रहे हो, मतलब आप फॉर्मुला अच्छे से याद करके नहीं बैठे हो, या फिर आपने कंसेप्ट आपके वीक है, ये चीज़ें हो सकती है। तो उस पर जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट चीज़ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट हर हफ्ते अब से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप 500 स्कोर कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके मेन एग्जाम में, आपके नीट में देखने को मिल सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज होते रहेंगे और एकदम सुपरफिशियल लेयर में आपका प्रेजेंट होगा। तो आप जब उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो जब बाकी बच्चे रिविजन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उस समय तक आप उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतनी बार देख चुके हो कि आप बाकी लोगों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं उसको हर हफ्ते देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद NCERT किन सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो NCERT बायोलॉजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो मस्ट है। उसके अलावा फिजिकल और फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको NCERT से देख लेना चाहिए, जिसमें फिजिकल में सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके कुछ पोर्शंस हैं जो कि मैं आपको किसी वीडियो में बना के बता दूंगा। आप मेरे को याद दिलाना एग्जाम्स के बाद, दिसंबर में मेरे को बताना कमेंट करके अगर मैं भूल जाता हूं, तो मैं एक शॉर्ट्स बना के आपको बता दूंगा कि इन चैप्टर्स के कौन कौन से वो पार्ट है जहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, फिजिक्स में अगर आप 160 प्लस एम कर रहे हो तभी आपको थ्योरी पे फोकस करना है, NCERT की थ्योरी पे, अदरवाइज आपका जो मेन कंटेंट लेक्चर से मिलता है आपके नोट्स में है उससे आपका 160 तक आपका मार्क्स आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप करने जाते हो तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो 11th और 12th के जो पार्ट 2 वाली NCERT है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये तो कर ही लेना है आपको, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ये दोनों चैप्टर्स NCERT से देख लेना है। और 12th की अगर मैं बात करता हूं तो वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको 12th से देख ही लेना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछने का। बाकी अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो और आपको लगता है कि भैया कोई दूसरा तरीका बता दो NCERT की थ्योरी कवर करने का, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी NCERT के थे जो मुझे लगे वो मैंने अपने 2-पेज नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको 2-पेज नोट्स मिल जाएगा फिजिक्स का, जिसमें 80 पेजेस में पूरी फिजिक्स की मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, कंसेप्ट सारे लिखे हुए। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो अभी इसे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और चाह रहे हैं कि भैया हम ट्रैक पे कैसे आए, तो वो इस वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाए। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।